प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार में आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में लगे राजीव गांधी युवा मित्रों को भजनलाल सरकार ने आते ही हटा दिया था। इस मुद्दे को लेकर पूरे प्रदेश भर के हजारों युवा मित्रों ने राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर 72 दिन धरना भी दिया था, जिसमें सरकार के मंत्रियों के घर अनशन से लेकर 7 दिन तक भूख हड़ताल भी की थी। युवा मित्र संघर्ष समिति पाली के जिलाध्यक्ष सुरेश कुमार नेत्रा ने बताया कि धरने के अंतिम दिन संघर्ष समिति के साथी जयपुरिया हॉस्पिटल के पास पानी की टंकी पर चढ़ गए थे। इसके बाद सरकार ने युवा मित्र संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता कर लोकसभा की आचार संहिता खत्म होने के बाद तुरंत युवा मित्रों की सेवा पूर्ण बहाल करने का सकारात्मक आश्वासन भी दिया था। अब आचार संहिता हटने के बाद भी सरकार अपने वादे के मुताबिक युवा मित्रों को बहाल करने में आनाकानी कर रही है, जिसको लेकर पूरे पाली जिले के युवा मित्रों में काफी आक्रोश है। प्रदेश संघर्ष समिति के आह्वान पर पूरे पाली जिले के सभी युवा मित्रों ने जिलाध्यक्ष सुरेश कुमार नेत्रा के नेतृत्व में पाली में संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह को ज्ञापन दिया। इसके बाद भी सरकार कोई उचित कदम नहीं उठाती है तो पूरे जिले भर के युवा मित्र जयपुर कूच करेंगे। जिलाध्यक्ष नेत्रा ने बताया कि चाहे कोई भी सरकार हो, उसका मकसद युवाओं को रोजगार देने का होना चाहिए। भजनलाल सरकार ने आते ही पूरे राज्य भर के 5 लाख परिवारों के पेट पर लात मार कर ये अपनी उपलब्धियां गिना रही है, जो कि बेहद दुखद है। ये युवा मित्र गरीब मजदूर और किसान पुत्र है, ये अपना रोजगार पुण्य लेकर ही रहेंगे। नेता ने बताया कि बहुत से युवा मित्रों का पारिवारिक गुजारा इसी रोजगार से चलता था, परंतु सरकार ने बेरोजगार कर दिया, जिसके चलते युवा मित्रों के रोजी रोटी पर संकट मंडराने लगा है। युवा मित्र अपने हक और अधिकार के लिए अंतिम छोर तक लड़ेंगे, ये बात सभी युवा मित्रों ने संयुक्त रूप से कही है। नेत्रा ने स्पष्ट एवं कड़े शब्दों में सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि युवा मित्रों के हक एवं अधिकारों का हनन हरगिज नहीं होने देंगे। ज्ञापन से पूर्व युवा मित्रों ने अपनी मांगों और नारों के स्लोगन लिखी तख्तियों की रैली भी निकाली। महिला युवा मित्रों ने बताया कि उनका रोजगार छीनने से घरों में रोजी रोटी का संकट हो गया है। सरकार को महिला हित में तुरंत प्रभाव से सोचते हुए युवा मित्रों को तुरंत बहाली देनी चाहिए। इस दौरान सुमेरपुर ब्लॉक अध्यक्ष भीमराज परमार, बाली ब्लॉक से नरपत सिंह, रानी ब्लॉक से सरोज कुमारी, मारवाड़ जंक्शन किशोर प्रजापत, पाली ब्लॉक से मोहन सिंह अली दायत, रोहट ब्लॉक अध्यक्ष प्रकाश राम पवार, सोजत ब्लॉक अध्यक्ष अर्जुन गहलोत, देसूरी ब्लॉक अध्यक्ष महावीर सिंह दादाई, रायपुर ब्लॉक अध्यक्ष शीतल कुमारी, रजिया हुसैन पाली, सुनीता शर्मा, रिया मीणा, कंचन सोनी, गंगा खटीक, पायल वैष्णव, लक्ष्मी कुमारी सहित सैकड़ों युवा मित्र उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रॉयल पत्रिका। को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। युवा मित्रों को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। भजनलाल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भजनलाल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आकर न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। होश में आकर न्याय करो, न्याय करो।